स्वीकार के जादू में बहुत जबरदस्त ताकत है। कहते हैं कि जब हम स्वीकार करते हैं, जब हम चूज करते हैं कोई किसी बात को, तो उसमें बहुत बड़ी ताकत रहती है। एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस का मतलब ऐसा होता है कि जो जैसा है वैसा है और जैसा नहीं है वैसा नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है, बराबर है, सही है, राइट है, एकदम अच्छा है। क्या हम वो बात नहीं कर रही है कि भाई चलो अभी क्या है, भुगतना पड़ रहा है, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, चलो भी ले लो, एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, मतलब वो बात हम नहीं कर रहे। समझो, एक आधे को हेडेक है, दर्द है, सर दर्द है, माइग्रेन है। अब माइग्रेन है तो माइग्रेन मुझे नहीं होना, माइग्रेन नहीं होना, माइग्रेन नहीं होना, माइग्रेन नहीं होना चाहिए, सरदर्द नहीं होना चाहिए, सरदर्द बहुत तकलीफ हो रही है, गोली खाओ। या समझो किसी को डायबिटीज़ है, गोली खाओ, डायबिटीज़ है, ऐसे तक तक करना, रेजिस्ट करना, तो उसे अच्छा है भाई उसका स्वीकार करना, जैसा है वैसा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुशी से स्वीकार करना। और जब आप खुशी से स्वीकार करते हो उसका, तो उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। क्यों? कि फिर वो स्वीकार करने के बाद में फिर आपके लिए नए रास्ते खुल जाते हैं कि ठीक है अभी करना क्या, फिर अभी स्वीकार किया है चलो अभी कुछ तो भी एक्शन लेते हैं। नहीं तो पहले क्या रहता था, पहले ताकत लगती थी रेजिस्ट करने में, नकारने में, उसमें ताकत लगती थी। अब वो ताकत बाजू, अब वो कंप्लीट हो गया, अब ताकत कायम लग रही है कि अभी कौन सी कृति करना चाहिए, कौन सी एक्शन लेना चाहिए, और वो हम यदि करते हैं तो डेफिनेटली जो भी जैसा है वैसा है उसका स्वीकार किया, तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, आपका माइग्रेन हो, आपका टेंशन हेडेक हो, आपका दमा है, डायबिटीज़ है, बॉडी एक है, बॉडी पेन्स है, पेट का प्रॉब्लम है, और कोई भी आपके प्रॉब्लम है, आप उसका स्वीकार कर लेते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, और जैसा है वैसा उसको खुशी से स्वीकार करते हो, डेफिनेटली उसमें इतना फर्क पड़ जाएगा, इतना फायदा होगा, अपनी लाइफ एकदम आप खुशी से जी सकोगे। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।